तो यहाँ पर है सोडा शॉप, जो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था। यहाँ पे सोडा की मशीन्स यहाँ पर दी गई हैं, नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है। कैसे भैया नॉन इलेक्ट्रिक है, कैसे ये काम करती है पता नहीं हमें, तो जानते हैं इनसे। आई थिंक ये सिलेंडर से काम करती होगी। रियल बेवरेजेस, आप जूस पानी पूरी के स्टॉल लगा सकते हैं। सोडा मशीन मैन्युफैक्चरर हैं। ये देखिए ये सारी मशीन, सोडा की ये कैन बनी हुई है, यहाँ बॉटल्स कंज्यूम की हुई हैं, ये सारी मशीन्स यहाँ पर हैं। तो ये इस तरीके की मशीन्स से आप ये सोडा बॉटल्स निकाल सकते हो। और यहाँ पर ना ये स्लशीज बन रही है, स्लशीज प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी स्लशीज है, ट्राई करते हैं। और भैया से पूछते हैं ये मशीन कितने की है एग्जैक्टली, इसका रेट्स क्या है। 85,000 रुपीस में ये पूरा थ्री का सेट आता है या सिंगल ये वाला है सर? थ्री सेट, तीन का सेट। ये थ्री हेड है, ओके, ये टू हेड है, ये वन हेड है। सिंगल हेड का जो प्राइस है यहाँ लिखा हुआ है 45,000 रुपीस। This is for 65,000 and this is for 85,000। तो ये तीन रेट्स यहाँ पर हैं, तीन तरह के आप स्लशीज, अलग अलग तरह की स्लशीज बनवा के अपनी सेल कर सकते हो। शॉप के बाहर एक छोटा सा काउंटर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है, नया आइटम है और चिल्ड बहुत रहने वाला है, एक बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको भी ये स्लशीज काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं खुद भी, और आप अगर शॉप लगाना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद देम। 85,000 रुपीस में ये तीन तरह के जार्स की अलग अलग टाइप की स्लशीज के मिक्सचर्स मिलते हैं, आप लीजिए और बनाइए और अपने जो ग्राहक हैं उनको बेचिए। तो इस तरीके से ये आप निकाल सकते हैं, ये स्लश पूरा स्लश ही निकलेगा, इस आइस का बना होता है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को खूब ज्यादा पसंद आता है। काफी सारी वैरायटीज में, कलर्स में आप बना के इसको सेल पे निकाल सकते हैं। मैं आना उस लस्सी ट्राई कर रही हूँ इनका, और काफी अच्छा है। अभी तो मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया क्योंकि मैं से इतना ज्यादा खाया नहीं जा रहा था। यम्मी स्लशी है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये छोटी सी पानी पूरी की स्टॉल मशीन है, यहाँ से पानी आता है। ये 25,000 रुपए की है, बिल्कुल हाइजीनिक है और बहुत अच्छी है। इवन सोडा मशीन जो मैंने अभी आपको दिखाई काफी अच्छी है। अगर आपको कनेक्ट करना हो ना तो रियल बेवरेजेस पे आप ट्राई करिए। इनका जो है ये नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब पे फसाई अप्रूव्ड है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर हूँ सर के साथ। सर योर गुड नेम? मेरा नाम है मोहम्मद शोएब। ओके सर, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हैं सर। सर बहुत अच्छी मशीन लगी मुझे ये, किसी कारोबारी के लिए, जैसे कि आप मान लेते हैं कोई स्टॉल चला रहे हैं, फूड स्टॉल चला रहे हैं, बाहर एक सेपरेटली एक या दो कोई भी आप लगा लीजिए और काम कर सकते हैं, कोई भी पर्सन ये काम कर सकता है। तो ऑपरेट मशीन है ये। हाँ जी। और इसको आप छोटी सी जगह पर, जैसे आपका अगर बेकरी वगैरह है, हाँ जी, या आपका कोई भी कारोबार है या कोई पार्लर वगैरह, हाँ उसके अंदर भी आप इसको लगा करके, इसको कैरी करना कितना आसान है, बहुत इजी है। अच्छा। और इसको साफ सफाई करना भी इसका बहुत इजी है, क्लीननेस भी इसके अंदर बहुत इजी है। अच्छा। इसके लिए आपको कोई दूसरी मशीनरी लगाने की जरूरत नहीं है, इजी ऑपरेट है। आप इसको इसके अंदर आपको सिर्फ पानी और सिरप मिक्स करके, अच्छा, इसके अंदर आपको फिल कर देना है। 12 लीटर का इसका कैपेसिटी रहता है। अच्छा। और ये 40 मिनट के अंदर जो है स्लश बनाया था। 40 मिनट लगेंगे, जैसे कि मॉर्निंग में हमने ये स्टार्ट कर दिया, 40 मिनट लगेंगे और 40 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा। इस तरह का रेडी हो जाएगा जो आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह का। मैंने टेस्ट भी किया, इवन बहुत अच्छा टेस्ट में भी था। तो अपने अकॉर्डिंगली ये सिरप हम लोग बना सकते हैं। तो एक ये 12, अच्छा बना बनाया भी मिलता है, ठीक है। तो 12 लीटर का कॉस्ट कितना पड़ता होगा? एक्चुअली मैम इसका 12 लीटर का कॉस्ट नहीं निकाल सकते, इसका जो आप ML का निकाल सकते, ML का कॉस्ट, इसका जो 200 ML का अगर आप कॉस्ट निकालेंगे ना तो ये आपको पड़ेगा 3 से 4 रूपये। अच्छा। तो नॉर्मली सेल होता है 15 रूपये, 15-20 रूपये, तो मान लो 10 रूपये में एक छोटा गिलास दे सकते हैं, कप दे सकते हैं, या फिर अगर गिलासेस में एक शेक की तरह देना है तो वो 40 रूपीज का अच्छे से करके दे सकते हैं ना। जैसे कि आपने अगर लड़की के अंदर देखा, हाँ हाँ, कोला के नाम से उनका प्रोडक्ट, हाँ जी हाँ जी, वो यही है, वो कोला फ्लेवर होता है। सर थोड़ा सा मुझे उधर वो जो बैटरी ऑपरेटेड मशीन है ना उसके लिए भी बताइएगा, क्योंकि मैंने वो देखा था बैटरी ऑपरेटेड मशीन, उसमें करना कैसे होता है, बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड रहती हैं ये वाली में।
इसमें लिखा है ना नॉन इलेक्ट्रिक मशीन, तो इसमें क्या आएगा? सोडा आएगा, पानी है, क्या आएगा? सोडा आएगा, बना बना है सोडा है। तो कैसे वो हमें क्या करना होगा उसमें? उसके लिए जो है ना आपको अंदर टैंक बना हुआ है। अच्छा, वो टैंक के अंदर आपको चिल्ड पानी डाल देना है। अच्छा, और एक CO2 का कनेक्शन दे देना है गैस का। ठीक है, वो गैस के प्रेशर से ये चलता है। अच्छा, और आपको जो फ्लेवर बनाना है आप बना सकते हैं। जो भी फ्लेवर बनाना है तो फ्लेवर भी डालना पड़ेगा? हाँ, फ्लेवर जैसे कि जीरा है, ऑरेंज है, लेमन है, आपको जो फ्लेवर का चाहिए वो फ्लेवर का टैंक आपको लगा देगा, छोटा सा टैंक आएगा साथ में, और आप उसको अटैच करो इसके अंदर वो फ्लेवर से। तो सर ये बना के वैसे भी बेच सकते हैं या फिर ये बॉटल मैंने यहाँ देखी आपकी? बॉटल के लिए फिर ये सारे आगे प्लांट नहीं है, ये प्लांट बनाने पड़ेंगे, जैसे ये फील कर रहे हैं, ये जैसे बना रहे हैं ना, ये सोडा यहाँ पे बना रहे हैं, ये नॉर्मल अभी विदाउट कलर है, और ये नहीं, ये जीरा फ्लेवर आ गया, ये फ्लेवर वाला हो गया, मसाला सोडा हो गया। अच्छा, यहाँ से सोडा आता है, यहाँ से फ्लेवर अलग आता है, तो दोनों चीजें और यहाँ से कैपिंग कर देते हैं। ओके, तो ये कितना कॉस्ट करता है? ये 10 rupees MRP रहता है इसका रिटेल प्राइस। 10 rupees में ये बन गया है, बस रेडी है, ये बन गया, इसको ड्रिंक कर सकते हो? मैं कर सकती हूँ इसको ड्रिंक। अरे वाह, मतलब ये इंस्टेंटली बन रहा है, बहुत जल्दी ये बस ऐसे हो रहा है और बन रहा है। तो ये एक मिनट में कितनी बॉटल्स निकाल? एक मिनट के अंदर जो है ना 24 बोतल निकलेगी इससे, 24 बॉटल निकल जाएंगी इससे। तो ये तो काफी अच्छा है, इवन इसमें हम हर एक तरह के जो फ्लेवर्स है वो ऐड कर सकते हैं, आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितने फ्लेवर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और आपके पास ये वाला मशीन भी है, शुगर कैन वाला? हाउस मॉडल है हमारा, इसको हम लोग हाउस मॉडल बोलते हैं। और मैंने यहाँ भी देखी है, ये वाली किस चीज के लिए? आइसक्रीम के लिए भी है, सॉफ्टी आइसक्रीम। अच्छा, तो ये ऐसे ही कलर डिजाइन आएंगे इसमें, तो इसमें डालना क्या होगा? इसमें प्रीमिक्स आता है, इसका पाउडर और मिल्क फ्लेवर आता है, दोनों मिक्स करके इसके अंदर। कितनी रेंज पड़ती है इसकी? ये 1,30,000 प्लस। अच्छा, तो बहुत अच्छा है गाइस, अगर आपको एक सिंगल मशीन भी लेनी है तो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स। अगर आपको सिंगल मशीन भी बाय करनी है, गन्ने के रस की मशीन भी यहाँ पर छोटी वाली है, चिल्ड गन्ने का रस एकदम बिल्कुल क्लीन आएगा, यहाँ पर गन्ना आप डालिए और यहाँ से आप जूस निकालेंगे, फिल्टर होके निकलेगा ये जूस। 90,000 rupees की मशीन है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप गाइस, और खुद का अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो, बस एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो इसमें नॉन इलेक्ट्रिक है ना लिखा हुआ, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर जो है बैटरी ऑपरेटेड है, आप चार्जिंग लगाकर उसके बाद यूज कर सकते हो दोबारा, है ना? थैंक यू सो मच सर।